राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले की, जहां चमगादड़ों की रहस्यमयी मौत मचा हड़कंप लोगों में अनजान वायरस का खौफ। सिंगरौली जिले के माड़ा तहसील अंतर्गत एक अजीब घटना घटित हुई। यह माड़ा तहसील के ग्राम पटरी खूटा टोला में आम के बगीचे में रहस्यमय तरीके से हजारों की संख्या में चमगादड़ मरे मिले। कई जमीन पर तड़प रहे थे तो कई लोगों की आंखों के सामने ही जमीन पर गिर रहे थे। लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना वन विभाग की अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम व पशु चिकित्सालय के अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच कर घटना की जांच कर मरे हुए चमगादड़ों को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजने की बात कही है। बताया जा रहा है कि यह जनार्दन सिंह निवासी पटरी खूटा टोला के घर के समीप आम के बाग में कुछ लोगों को दूर से जमीन पर कुछ काले रंग की बिखरे चीज नजर आई। पास पहुंचने पर लोगों ने देखा कि दूर दूर तक चमगादड़ों के शव पड़े हैं। कुछ उनकी आंखों के सामने ही जमीन पर आकर गिर गए थे तो कुछ जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। आपको बता दें कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के बेलघाट और गोपालापुर से चमगादड़ों की मौत की खबर सामने आई थी कि अब मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के माड़ा तहसील अंतर्गत पटरी खूटा टोला में मामला सामने आया है। लोगों में कोरोना वायरस का खौफ अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि इधर चमगादड़ों की मौत के बाद लोगों में दहशत हो गई है। लोगों ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं वायरस के कारण तो चमगादड़ों की मौत नहीं हुई। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि चमगादड़ों के मरने के बाद कहीं कोई वायरस ना फैल जाए। कुछ लोगों का कहना है कि किसी अनजान वायरस से चमगादड़ों की मौत तो नहीं हो रही है। इस बारे में जब वन अधिकारी DFO विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा वाले जांच कर रहे हैं, उनसे जानकारी लीजिए। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सिंगरौली प्रभारी डॉक्टर DP सिंह ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि चमगादड़ों का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजने के लिए वन विभाग के रेंजर को दे दिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इनकी मौत किसी वायरस से हुई है या बढ़ी हुई गर्मी और धूप से। आगे उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट वन विभाग वाले के पास ही आएगी।